दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे पांच सवाल और इसका जवाब भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, औरत की कौन सा अंग 12 है तो वो भाग्यशाली मानी जाती है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है दोनों हाथ औरत की अगर 12 है तो बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है, वो महालक्ष्मी के स्वरूप मानी जाती है, इसीलिए उनको अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, लक्ष्मी माता घर में कब आती है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, कि अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सही आंसर है जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं ज़्यादा खूब मन लगा करके, तो घर में माता लक्ष्मी आती है, पैसे की कमी नहीं होती है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके घर में कभी घर में बरकत नहीं होती है, माता लक्ष्मी घर में निवास नहीं करती है। नंबर तीन, औरत को कितना बजे तक रात में खाना बना लेना चाहिए। नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है लगभग 7 बजे तक रात में खाना बना लेना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी घर में आती है और नकारात्मक शक्ति जो है वो निकल जाता है घर से और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर में प्रवेश करता है, इसीलिए 7 बजे तक खाना बना लेना चाहिए। नंबर चार, घर में झाड़ू कौन से दिन खरीदना चाहिए घर के लिए झाड़ू। नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है गुरुवार के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर झाड़ू खरीदते हैं आप तो समझिए कि घर में बरकत होगा, माता लक्ष्मी घर में आएगी और कोई प्रकार की दुख दर्द निकल जाएगा घर से। नंबर पाँच, ज़्यादा पूजा पाठ कौन कौन सा दिन करना चाहिए। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हरदम अच्छा जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, की अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन को पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहिए, और दिन नहीं भी करेंगे पूजा पाठ तो चलेगा बनेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, बने रहें।